पोटका के पावरू आदिवासी कला सांस्कृतिक भवन परिसर में आदिवासी भूमिज समाज झारखंड की ओर से 5 अक्टूबर 2024 को आदिवासी भूमिज भाषा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। आज के दिन आदिवासी भूमिज समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन झारखंड सरकार के महामहिम राज्यपाल के द्वारा 5 अक्टूबर 2018 को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया था। यह बहुत लंबे संघर्ष के बाद आदिवासी भूमिज समाज के लिए एक उपलब्धि है। समाज के लोगों द्वारा भूमिज भाषा दिवस को हर साल मनाने का संकल्प लिया गया और उसके अनुसार पावरू आदिवासी कला सांस्कृतिक भवन में धूमधाम से मनाया गया। जनजाति भूमिज भाषा दिवस उद्देश्य के बारे में बताया गया कि आज के दिन हमारा भूमिज भाषा सरकार के साथ शामिल हुआ। भूमिज भाषा के विकास के लिए स्कूल में भूमिज भाषा पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से शिक्षक की नियुक्ति होगी, जिससे सैकड़ों भूमिज भाषा के छात्र छात्री भूमिज भाषा के संबंध में लिख पढ़ सकेंगे। हर एक गांव में भूमिज भाषा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार समाज के लोग अपनी मातृभाषा भूमिज भाषा को कम महत्व दे रहे हैं। चूंकि आज बाजार बात का भाषा प्रचलित है, जनजातीय भूमिज भाषा को जेपीएससी जेएसएससी एवं चैक धारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं से झारखंड सरकार के द्वारा वंचित किया गया है, जिससे भूमिज भाषा के हजारों अभ्यर्थी रोजगार से वंचित रह गए। इसके लिए चर्चा किया गया और रणनीति बनाया गया कि भूमिज भाषा को शामिल किया जाए। इस शुभ अवसर पर बच्चे बड़े के बीच भूमिज भाषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भूमिज भाषा के जीके प्रकार का प्रश्न पूछे गए, जिसमें 18 परीक्षार्थी भाग लिए। इसमें मौखिक एवं लिखित परीक्षा लिया गया एवं परीक्षा में फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड होने वाला परीक्षार्थी को प्राइज दिया गया। भूमिज भाषा कॉम्पिटिशन में प्रथम सविता सरदार, रंजीत सरदार, रीमा सरदार रहे। कार्यक्रम में मौके पर आदिवासी भूमिज समाज झारखंड के सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार, अध्यक्ष जयपाल सिंह सरदार, शिशुपाल भूमिज, नियति सरदार, हिमांशु सरदार, लक्ष्मीकांत भूमिज, लावो घन सरदार, सपन सरदार, सूरज मानी सरदार आदि उपस्थित रहे। 5 अक्टूबर है आदिवासी भूमिज भाषा दिवस है, जो हमको 5 अक्टूबर 2018 में प्राप्त हुआ था और उसी के तहत हम लोग लगातार इस दिवस को मनाते हुए अपनी साक्षरता और अपनी भाषा के हम लोग भी मनाते बढ़े हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने अपनी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उस परंपरा से पहचान, उसकी कैसे हिफाजत करना है, उसका शुरुआत कैसे होता है, उसकी शुरुआत किया गया। फिर हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग वक्तागण थे, भाषा से क्या होगा, भूमिज भाषा क्या है, इसे सीखने से क्या फ़ायदा है, कैसे हमारे पहचान जिंदा रह सकता है, कैसे हमारे प्राकृति सहचरिता जो पहचान है, इससे जल जंगल जमीन और संस्कृति रीति रिवाज जुड़ा हुआ है, इसकी आज लोगों ने वक्तव्य रखे बाकी रखा। और उसके साथ साथ जो हमें लोगों ने यहाँ 5-7 स्कूल जो चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, उस स्कूलों के चयनित बच्चों को लाकर यहाँ प्रतियोगिता करवा रहे हैं कि अब तक वो कहाँ तक आगे बढ़ा है और किस तरह भाषा को अपना रहा है, उसका एक एग्जाम के रूप में हम लोग आरंभ किए हैं, जिससे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको हम सम्मानित करेंगे। इसी तरह हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और गांव समाज के लोगों को आगे जोड़ेंगे और उसके अभिभावक भी आया है और इससे प्रोत्साहित होते हुए देखेंगे तो माता पिता भी खुश होंगे। खुशी की बात है, भूमिज भाषा दिवस है, आदिवासी भूमिज समाज की ओर से भूमिज भाषा दिवस मनाया जा रहा है आदिवासी कला संस्कृति भवन पावरू में। 2018 सन में 5 अक्टूबर को आदिवासी भूमिज समाज का भूमिज भाषा का द्वितीय राजभाषा सरकार ने स्वीकार है और उसी के दौरान हम लोग यहाँ हुआ हर जगह स्कूल चला रहा है गांव का अखड़ा में या स्कूल में, और इस बार हम लोग इसको स्कूल बच्चा को ताकि भाषा पढ़कर आगे बढ़े, गौरव महसूस करे, मेरा भाषा है, मेरा भाषा ही मेरा पहचान है, इसमें आरक्षण का नौकरी होगा या भाषा में मेरा सुसुम दुरांग या जो है पूजा बंगा का बखाण या विशेषण कर पाए समाज, इसीलिए बच्चों को द्वारा हम लोग उसको कंपटीशन करा रहा है ताकि भाषा में उसको महसूस हो, ये भाषा मेरा है, गौरव बढ़े, आगे दिन सरकार का जो अधिकार है उसको भी वो लोग ले और अपना संस्कार संस्कृति को बचाए।
हाथू अखड़ा गबका सुसुन अखड़ा बकड़ा और संविधान का जो 350 ए अनुच्छेद है 29 है 13(3) को कैसे वो लोग अपना हक मांगे सरकार से ताकि हमारा भाषा आगे बढ़े। सरकार से यह मांग है इस भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सरकार का कंपटीशन में इसको जगह दे। जब तक निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती।